हेलो फ्रेंड्स, अभी बजे हैं सुबह के 10 और अभी मैं लगा रही हूँ पोछा। आज मैं मॉप से नहीं लगा रही हूँ, हाथों से ही लगा रही हूँ, क्योंकि मॉप से तो बेड के नीचे, सोफे के नीचे अच्छे से इजीली लग जाता है और जल्दी भी हो जाता है, पर जो कोने कोने रह जाते हैं वहाँ वो मॉप पहुँच नहीं पाता है। तो मैं आज वही साफ करने के लिए हाथों से पोछा लगा रही हूँ। जब ये मॉप मेरे पास नहीं था तो मैं हाथों से ही पोछा लगाती थी। हाथों से पोछा लगाने से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा फर्श चमक जाती है और अच्छा लगता है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी हो जाती है बॉडी की। वो तो मैंने इसलिए लिया था मॉप, क्योंकि उसे जल्दी मेरा पोछा हो जाए, इसलिए मैंने वो लिया है। क्योंकि मुझे फिर किट्टू को भी खाना खिलाना पड़ता है, इसीलिए ये जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी मैं काम निपटाने की कोशिश करती हूँ। और वो मॉप से पहली बात तो पलंग के नीचे और सोफे के नीचे आसानी से पोछा लग जाता है, इससे हाथों से वह हम नहीं पहुंच पाते हैं। अब मेरे हॉल का पोछा हो गया है तो मैंने ये गलीचा लगा लिया है। अब किट्टू के दादा और किट्टू कुछ काम कर रहे हैं। वो देखिए, किट्टू का बलून पंखे में चले गया है तो उसके दादा वही निकाल रहे हैं। अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में और बेडरूम का मैं पोछा लगा रही हूँ। आज मैंने कोने कोने तक की सफाई की है। आज मैंने यहाँ का सारा सामान उठाकर यहाँ भी पोछा लगाया है। यहाँ पर मैं साबुन, तेल का पीपा, प्याज, आलू, लहसुन की टोकनी यहीं पर मैं रखती हूँ, यही वो जगह है। तो रोज़ वो सामान उठाना पॉसिबल नहीं होता है मेरे लिए। आज हाथ से पोछा लगा रही हूँ इसलिए मैंने सारा सामान बाहर निकाल लिया था और अभी रख भी दिया है। ये देखिए, अब ये तो गाड़ी ऊपर ही चलाएगा। शाम के 4 बजे है और किट्टू और मैं खेल रहे हैं। किट्टू बोल रहा है, मम्मा मुझे गाड़ी पे धक्का लगाओ। ये गाड़ी से नहीं आती है चलानी, बस वो आराम से बैठता है और धक्का लगाना पड़ता है तो वो एंजॉय करता है। अभी हमारा चाय नाश्ता हो गया है शाम का, तो मैं बर्तन साफ़ करने के लिए आ गई हूँ। बर्तन ऐसी चीज़ है, चाहे जितने बार उसे वॉश कर लो उतनी ही बार वो निकलते हैं, 1, 2, 3 वो निकलते ही रहते हैं। ऐसा कर कर के थोड़े थोड़े जमा हो ही जाते हैं। सबसे पहले मैं सिंक को ही वॉश करती हूँ, उसके बाद मैं सारे बर्तनों को उसमें रखती हूँ। बर्तन मेरे वॉश हो गए हैं, अभी मैं पूजा करने के लिए आ गई हूँ। एक्चुअली वहाँ मुझे जगह स्पेस नहीं मिल रही नीचे खड़े रहने के लिए, तो आज मैं सोफे पर ही खड़ी हो गई हूँ। शायद ये छोटा सोफ़ा उधर ज़्यादा ही सरक गया है और टी टेबल और सोफ़ा के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं रहा है वहाँ खड़े रहने के लिए। मेरी पूजा हो गई है, अभी मैं दरवाजे में रोज की तरह धूप अगरबत्ती लगा रही हूँ। फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, कैसे हैं सब? आज
आज शुक्रवार और अभी मेरी पूजा भी हो चुकी है। आपने देखा ही होगा, मैंने अभी जस्ट पूजा की है। पूजा करने के पहले ही मैंने दाल और चावल गैस पर चढ़ा दिया है। तो अभी मुझे बनाना है रोटी और सब्जी। सब्जी में मैं बनाने जा रही हूँ कटहल। और कटहल ये रेसिपी बिल्कुल नॉनवेज के बराबर ही बनानी पड़ती है, पकने में भी समय लेती है। कढ़ाई में मैंने ले लिया है तेल। तेल बहुत गर्म हो गया है तो मैंने फनस को डाल दिया है। हम इसे फनस ही कहते हैं पर बहुत से लोग इसे कटहल भी कहते हैं। तो उसको मैंने फ्राई करके बाहर निकाल लिया है। और फिर मैंने कढ़ाई में डाला है प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर और गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, हल्दी और इसमें मैंने और ज़्यादा स्वाद बढ़ाने के लिए डाला है चिकन मसाला पाउडर। और इसको मैंने थोड़ी देर मसाले में पकने के लिए छोड़ दिया था। अब इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा पानी। जैसे मैं रोज़ सब्जी बनाती हूँ उसी तरह मैंने ये भी सब्जी बनाई है। बस इसमें एक्स्ट्रा मैंने चिकन मसाला ही ऐड किया है। चिकन मसाले से ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बन जाती है, उसका स्वाद बढ़ जाता है। और आप लोगों से जल्दी रेसिपी शेयर करूँ इसीलिए मैंने सामने की प्रोसेस मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई, प्याज अदरक लहसुन वाली, और जल्दी ही मसाले वाली बता दी है। ये आ गए ऑफिस से और किट्टू दरवाजे पे ही इनका इंतज़ार कर रहा था कि टाइम हो गया है और डैडी अभी तक आए नहीं है, तो उसने पहले ही वेलकम कर लिया है। हम सब का खाना हो गया है और किट्टू अभी बैठा है कंप्यूटर पे काम करते हुए।